लोकसभा चुनाव को लेकर 23 सीटों की बात शिवसेना की तरफ से रखी गई है, उसको कल संजय निरुपम ने भी बयान दिया। देखिए हम बात ऐसी है, कौन क्या करता है, किसी बोलता है किसी पार्टी में, उसका ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में शिवसेना है, शिवसेना मतलब महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। हम उनके राष्ट्रीय नेताओं से हमारी बातचीत चल रही है, चाहे राहुल जी है, सोनिया जी है, खड़गे साहब है, वेणुगोपाल जी और ये जो बड़े नेता है, जो डिसीजन मेकर है, उनके साथ उद्धव ठाकरे जी का हमारा डायलॉग बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। तो हम कितने लड़ेंगे, आप कितने लड़ेंगे, ये बात दिल्ली में होगी। यहाँ कोई गांव के गली के जो लोग है वो अगर बोलेंगे राष्ट्रीय स्तर की बात तो कौन सुनेगा। हमने कहा है कि हम हमेशा महाराष्ट्र में 23 सीटें लड़के आए हैं, 23 जगह पर लोकसभा में, एक दादरा नगर हवेली, वो हम हमारी सीटें कायम रहे, इतना ही कहा ना। और जब हम पहली बार बैठे थे या दूसरी बार बैठे तो हमने ये तय किया था कि जीते हुए जो सीटें हैं, जो सीट हम जीत, एनसीपी हो चाहे हम हो, उसके ऊपर बाद में बात करें। तो उसमें कांग्रेस आती नहीं, कांग्रेस ने सीट जीती नहीं है महाराष्ट्र में, तो कांग्रेस से शुरुआत करनी है जीरो से महाराष्ट्र। तो फिर भी कांग्रेस एक हमारे लिए महाविकास आघाड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा साथी है, और हम कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना सब मिलकर काम करेंगे, और हमें कोई तकलीफ नहीं है, ना हमको तकलीफ है, ना कांग्रेस के जो दिल्ली के हाई कमांडर उनको तकलीफ है। तो बाकी क्या यहाँ वहाँ कोई बोलता है तो कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। कोण आहेत ते, मला आधी उत्तर द्या तुम्ही, ते जे बोलता आहे ते कोण आहे, त्यांना अधिकार आहे, त्यांच्याकडे काय पॉवर ऑफ अटॉर्नी आहे, नाना पटोले असलेल्या राज्याचे, आम्ही मुळात राज्यातच बोलत नाही आहोत ना। आमची जी चर्चा सुरू आहे काँग्रेस बरोबर, बघा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष मुंबईत असतात शरद पवार साहेब, शिवसेनेचे पक्षप्रमुख माननीय उद्धव ठाकरे मुंबईत असतात, आमच्या दोघात संवाद आहे। आता काँग्रेसचा हायकमांड दिल्लीत आहे, मी दिल्लीत बोलतो, मला माझ्या माहितीप्रमाणे आज नाना पटोले आज दिल्लीत गेले, काल आमची अनेक नेत्यांशी चर्चा झाली, दिल्लीतल्या महाराष्ट्रातल्या जे प्रमुख नेते आहेत त्यांच्याशी आमची चर्चा झाली, आणि आमची भूमिका स्पष्ट आहे, आणि ही काय आजच बोलतो असं नाही ना, की आज बोलतोय का, की आम्ही 23 जागांवर लढलो होतो, आम्ही 18 जागा जिंकल्या होत्या, संभाजीनगरची जागा फार थोड्या फरकाने आम्ही हरलो म्हणजे 19 बरोबर, शिरूरची जागा आम्ही लढलो, तिथे आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे खासदार आहेत, जिंकलेल्या जागांवर बोलायचं नाही, चर्चा करायची नाही, हे धोरण ठरलंय जिंकलेल्या। आता काँग्रेसने जागाच जिंकलेल्या नव्हत्या महाराष्ट्रात, पण जिथे काँग्रेसची ताकद आहे, जिथे काँग्रेस जिंकू शकते, जिथे काँग्रेसची आम्हाला मदत होऊ शकते, तिथे काँग्रेस राहणारच, आणि याच्यावरती दिल्लीचं हायकमांड काँग्रेसचं आणि आमचं एकमत झालेलं आहे। त्याच्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये जर कोणी काय इतर मुंबईतलं कोणी बोलत असेल तर काय आहेत, त्याकडे आम्ही फार गांभीर्यानं पाण्याची गरज नाही। उद्धव ठाकरे आणि माननीय शरद पवार साहेब यांच्यामध्ये उत्तम संवाद आहे, शरद पवार, माननीय उद्धव ठाकरे आणि दिल्लीत खरगे साहेब, राहुलजी आणि वेणुगोपालजी यांच्यामध्ये अत्यंत चांगला संवाद आहे, बघू ना आम्ही पाहू की काय करायचं ते।
पण शिवसेनेला शिवसेनेचे जे 23 जागा आहेत त्यामध्येच वंचितला देखील जागा मिळणार असं पाहू ना। वंचित बरोबर सुद्धा चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे। माझं असं म्हणणं आहे का, माझ्या पक्षाचं असं म्हणणं आहे, उद्धव ठाकरे साहेबांचं म्हणणं आहे, माननीय शरद पवारांचं असं म्हणणं आहे की वंचित आघाडीचा जो कोर्स आहे तो आपल्या बरोबर घ्यायला हवा। त्याच्याविषयी कोणाच्या मनात शंका असण्याचं कारण नाही। काँग्रेसने सुद्धा त्याला सहमती दिली आहे दिल्लीतल्या नेते। आणि मी वारंवार सांगतो की प्रकाश आंबेडकरजी यांचं नेतृत्व या महाराष्ट्रामध्ये आहे आणि त्यांची भूमिका या देशातून हुकुमशाही कायमची नष्ट करावी या पद्धतीची आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचीच भूमिका ते मांडतात, आम्ही सगळे डॉक्टर आंबेडकरांची भूमिका मांडतो, त्याच्यामध्ये मतभेद असण्याचं कारण नाही। या क्षणी तरी आम्ही एकत्र सगळे चर्चाच करतो आहोत। आम्ही इथे आमंत्रणाची वाट बघत बसलेलो नाही। भारतीय जनता पक्षाचा कार्यक्रम आहे, ठीक आहे, 15 ऑगस्टची परेड नाहीये किंवा 26 जानेवारीचा प्रजासत्ताक दिन सोहळा नाहीये। खरं म्हणजे तो अशा प्रकारचा कार्यक्रम व्हायला हवा होता अयोध्येत, पण हा भारतीय जनता पक्षाचा कार्यक्रम असल्यामुळे अनेक लोक तिथे जाणार नाही। हा पक्षीय कार्यक्रम, हा राष्ट्रीय कार्यक्रम असता तर आम्ही त्यात लक्ष घातलं। पक्षीय कार्यक्रम आहे, त्यांच्या पक्षाचा कार्यक्रम होऊ द्या, त्यांच्या पक्षाला त्यांना झेंडा फडकवू द्या, गर्भगृहात जाऊन फोटो काढू द्या, आमचं काहीच म्हणणं नाही। प्रभू श्रीराम सगळ्यांचे आहेत। अशा प्रकारचं राजकारण करून प्रभू श्रीरामाला त्रास होईल, त्यांचा आत्म्याला त्रास होईल आणि परत ते वनवासात जातील असं कृत्य करू नका असं माझ्या त्यांना हात जोडून विनंती आहे। तुम्हाला निमंत्रण आलंय का? सुप्रिया सुले का बयान आया कि दो चीजों के बीच में मैंने चुनाव किया, एक स्ट्रगल और दूसरा पावर, एक तरफ मेरे पिताजी है दूसरी तरफ अमित शाह है होम मिनिस्टर, इस तरह का बयान आया सुप्रिया सुले का। सर क्या कहना चाहते हैं कि आप लोगों भी इस तरह से संघर्ष कर रहे हैं? पूरा देश संघर्ष कर रहा है, पूरा देश संघर्ष कर रहा है ना। इसे सुप्रिया जी ने कहा ये बात सही है। पश्चिम बंगाल में आप देखिए, आप तेलंगाना में देखिए, आप कर्नाटक में देखिए, आप महाराष्ट्र में देखिए, हम सब लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, पावर, मनी पावर, सत्ता, एजेंसी, लेकिन हम ये स्ट्रगल करते रहेंगे और 2024 में हम परिवर्तन करके दिखाएंगे। सर, पूरे देश में जैसे इंडिया का गठबंधन है, लड़ रहा है, लड़ाई लड़ेगी, लेकिन बंगाल में हम टीएमसी नेतृत्व करेंगे, क्या उसी तरह महाराष्ट्र में शिवसेना नेतृत्व करेगी इस लड़ाई का? एक बात ऐसी है, आपका आपका प्रश्न मुझे समझ में आया है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी है, सत्ता पे है और सबसे बड़ा नेतृत्व पश्चिम बंगाल में ममता जी का है। तो वहाँ का जो अलायंस होगा इंडिया का, वो ममता जी के साथ बैठकर उनके साथ उनकी भूमिका समझकर करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में शिवसेना बड़ी पार्टी है। देखिए ये लोग बोलते हैं पार्टी टूट गई, आप कौन तय करेगा हमारी पार्टी टूट गई? मैंने कल कहा आपकी पार्टी नहीं टूटी थी ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तभी कांग्रेस हार गई ना। पार्टी टूटने का या एक साथ रहने का कोई मतलब नहीं, पार्टी जमीन पर होती है, पार्टी जमीन पर होती है, पार्टी कार्यकर्ता जमीन पर होते हैं, वो हमारे साथ है और रहेंगे। तो ये कोई अगर हमें देता है ज्ञान आपकी पार्टी टूटी है तो ये गलत है। आपकी पार्टी बिना टूटे हुए भी हार गई, या अगर मैं जवाब दूं उनको तो क्या करूंगा? हमारी पार्टी टूटी थी फिर भी हमने अंधेरी की एक बाई इलेक्शन जीत लिया ना जोर से। हमारी पार्टी के मदद से हम पुना की कस्बा की सीट जीत गए ना। तो ये महाविकास आघाड़ी का गठबंधन एक मजबूत जोड़ है, हमको एक साथ रहना है और हम एक साथ रहेंगे। सर, आगे क्या मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी का बयान आया, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, इस तरह क्या इच्छा जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने व्यक्त की आपका? देखिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने अगर वो इच्छा व्यक्त की है उसमें गलत क्या है? राहुल गांधी लोकप्रिय नेता है, राहुल गांधी पूरे देश में जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा के माध्यम से पूरे देश को जोड़ रहे, लोगों के मन में राज कर रहे,
राहुल गांधी एक चेहरा है, राहुल गांधी का स्ट्रगल और संघर्ष जारी है और लोगों को संघर्ष करने वाला नेता बहुत ही प्रिय लगता है। राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते, राहुल गांधी प्रामाणिक है, राहुल गांधी देशभक्त है। तो प्रधानमंत्री होने के लिए और कौन से गुण चाहिए? यही तो गुण चाहिए। तो अगर कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बात कही है तो मुझे लगता है उसमें गलत क्या है। लेकिन इंडिया आघाड़ी में हम सबको एक साथ काम करना है और गठबंधन का चेहरा कौन है ये सब हम मिलकर तय करें। सर, राहुल गांधी का बयान आया, कि दो पॉलिटिकल पार्टियों में पॉलिटिकल लड़ाई दिखाई जा रही है देश में, लेकिन दो पॉलिटिकल पार्टियों की विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है, अलग अलग विचार हैं दोनों पार्टियों के। इस तरह से राहुल गांधी एक बोगस नकली हिंदुत्ववाद और नकली देशभक्ति है, एक विचारधारा, और दूसरी है कि देश का बचाने के लिए तानाशाही के खिलाफ लड़ने के लिए एक विचारधारा काम कर रहे हो। हम सब है, हम बोगस और नकली नहीं है, हम झूठे नहीं, हम झूठ नहीं बोलते। सर, जर 16 आमदार अपात्र झाले तर त्या सगळ्या 16 आमदारांना एकनाथ शिंदे यांच्यासह भाजपमध्ये विलीन करण्याची तयारी किंवा रणनीती ही भाजपने आपली अशी माहिती दिली। बघा, कोणत्या परिस्थितीत त्यांना अपात्र ठरावंच लागेल, बरोबर आहे? त्यांना कमलाबाईच्या पदराखाली जावंच लागेल, त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नाही। हे शिवसेना वगैरे आमचे सगळे झूठ आहे, त्यांचे नौटंकी आहे। त्या नौटंकीची स्क्रिप्ट दिल्लीतून भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी लिहिलेली आहे, पण हा सिनेमा आता पडेल, जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत हा सिनेमा पूर्णपणे कोसळेल। तेव्हा त्यांना तुम्ही म्हणताय, आमची तीच भूमिका आहे की त्यांना कमळामध्येच विलीन व्हावं लागेल आणि कमळावरचे भुंगे म्हणून त्यांना भूंगू करत राहावं लागेल कमळावरून। स्वाभिमान वगैरे सगळं त्यांचे शब्द, अभिमान, स्वाभिमान, हिंदुत्व झूठ आहे। अजित पवारांचा गट असेल किंवा एकनाथ मुंडेंचा गट असेल, त्यांना भारतीय जनता पक्षाशिवाय चरणाशी बसल्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही। त्याच्यावर ही जर ही बातमी तुमच्याकडून देत असेल तर त्या बातमीत तथ्य आहे, कारण शेवटी घटनेनुसार, घटनेतील 10व्या शेड्यूलनुसार त्यांना स्वतःला विलीन करून घ्यावं लागेल, त्यांचं अस्तित्व संपेल। ये गलत है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कोई उत्साही कार्यकर्ता होते कर लेते हैं, नीतीश कुमार जी ने खुद कहा है मुझे इस प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं है, ममता जी ने खुद कहा है मुझे कोई इस प्रकार की महत्वाकांक्षा नहीं है, राहुल गांधी जी ने खुद कहा है, खड़गे साहब ने कहा है, उद्धव ठाकरे साहब ने कहा है, तो ये कौन ये सब हवा, ये बीजेपी का आईटी सेल है, ये सब करता है। काय संबंध काय याच्यामध्ये? महाविकास आघाडीचा संबंध काय? अडाणी हा काही कळीचा मुद्दा नाहीये। आम्ही धारावीच्या प्रकल्पातल्या ज्या अटी आणि शर्ती आहेत त्याला विरोध आहे आमचा। कोण कोणाला भेटतंय याच्यावरती महाविकास आघाडीचे भविष्य नाहीये। माननीय शरद पवार आणि गौतम अडाणी यांचे फार जुने संबंध आहेत, ते कोणत्याही प्रकारचे असू शकतात, ते सामाजिक असू शकतात, राजकीय असू शकतात, औद्योगिक असू शकतात, विकासाच्या दृष्टीने असू शकतात, त्याच्यात तुम्हाला एवढं चिंता करण्याचं कारण काय? ते काय आज प्रथमच भेटत नाहीत ना, अनेक वर्ष भेटत आहेत। पण आमचा धारावीला जो विरोध आहे त्यांना देण्याचा, तो ज्या पद्धतीनं सरकारनं अध्यादेश काढलाय त्याच्यामध्ये संपूर्ण मुंबईची लूट आम्हाला दिसते, त्याच्यामुळे हे आमचं कर्तव्य आहे मुंबई वाचवणं, महाराष्ट्र वाचवणं। आणि शरद पवार साहेबांना सुद्धा ज्या अटी शर्ती निर्माण केल्या त्या सुद्धा मान्य होणार नाहीत, ते सुद्धा सच्चे महाराष्ट्र भक्त आहेत। चला, बहुत ही पॉझिटिव्ह तरीके से देखता हूं। लगभग 6,000 किलोमीटर से भी ज्यादा वो पैदल चलेंगे या थोड़े बहुत बस का उनका
ये है कि कुछ जगह पे रास्ते नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ है, नदियां है। भारत जोड़ो यात्रा उनकी सक्सेसफुल रही, भारत न्याय यात्रा जो है वो उससे भी उनको ज्यादा कामयाबी मिलेगी। जहां मौका मिले हम भी उनको शामिल हो।